हजारीबाग के आशा किरण महिला हॉस्पिटल में पद्मा निवासी शीशम देवी को हार्निया और पथरी की बीमारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लेजर ऑपरेशन की बात कही गई थी, लेकिन डबल ओपन ऑपरेशन कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया। वहीं हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि पेशेंट का लेजर ट्रीटमेंट करना था, लेकिन फैटी होने के कारण उनका लेजर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था और ओपन कट ऑपरेशन करना पड़ा था। जिनका हर्निया का ऑपरेशन करवाना था और पथरी का, आशा किरण में हम लोग आए, वहाँ बोले कि ऑपरेशन सही सलामत हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बोले कि हम लेजर ऑपरेशन करेंगे, लेप्रोस्कोपी लेजर ऑपरेशन ना करके वो डबल ओपन ऑपरेशन कर दिए दो जगह, और ऑपरेशन आधा करने के बाद वो बाहर आके बोलते हैं कि पेशेंट का हालत बहुत क्रिटिकल हो गया है, आप इसको बाहर ले जाइए। हम लोग बोले ठीक है, बाहर ले जाने के लिए पैसा चाहिए ना, हम लोग व्यवस्था करते हैं। बोला नहीं ठीक है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। हम लोग को आने के पहले वो एम्बुलेंस बुला के, हमारी एक और सिस्टर थी उनको और भगना को, दोनों को एम्बुलेंस में बैठा के वो रिम्स भेज दिए। सारा चीज़ साइन उन करवा के वो भेज दिए हम लोग को। ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट थोड़ा फैटी थी, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली बात किया गया था उनको लिप्रेक्टोमी करने का, तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से ओपन सर्जरी हुआ और ब्लीडिंग को बंद किया गया। तो डॉक्टर के कुछ कॉम्प्लिकेशन देखते हुए नज़र मोनो बताया गया पेशेंट को कि पेशेंट रेफर में जाएगी, तो मैंने अटेंडर से बात किया। अटेंडर बोला ठीक है सर, हमें रेफर कर दिया जाए। रेफर के टाइम रेफरल जो नोट्स बनती उसके टाइम पेशेंट का बी पी नॉर्मल थी, पल्स ऑक्सीमीटर सब नॉर्मल था, और फिर शाम के टाइम पेशेंट का रिम्स में सारे कुछ ठीक ठाक था, और मॉर्निंग के टाइम में ये घटना है। जिनका हर्निया का ऑपरेशन करवा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटुस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उड़ाना। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।